5 अगस्त को धारा 370 हटी थी 2019 को, तब कश्मीर से इंटरनेट भी हट गया। हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन सूट्स दिखने लगे। जीडीपी ग्रोथ इन 2021 इज एस्टिमेटेड टू रिमेन इन द नेगेटिव टेरिटरी। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले। हमारे नेता अक्सर बयान देते हैं और उनके बयानों में कितनी सच्चाई होती है इसके बारे में शायद ही कोई फैक्ट चेक करता हो। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के कुछ बयानों का फैक्ट चेक करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने जो भाषण में कहा वह बात कितनी सही थी। हाल ही में 15 अगस्त की स्पीच में मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। इस स्पीच में उन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास पर बात की। जरा आप पहले ये सुनिए। मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में कहा, ले लद्दाख, कारगिल, जम्मू कश्मीर, इनको एक वर्ष पूर्व 370 से आजादी मिल चुकी है। एक साल पूरा हो चुका है। ये एक साल जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह एक वर्ष महिलाओं को, दलितों को, मूलभूत अधिकारों को देने वाला करखंड रहा है। ये हमारे शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीने का भी एक साल रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब से वहां आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से घाटी में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसकी कुछ जानकारी रवीश ने अपने शो में दी। 5 अगस्त को धारा 370 हटी थी 2019 को, तब कश्मीर से इंटरनेट भी हट गया। धारा 370 के हटने के 5 दिनों बाद यानी 10 अगस्त 2019 को पत्रकार अनुराधा भसीन सुप्रीम कोर्ट चली गई कि सरकार ने इंटरनेट बैन किया है, क्यों बैन किया है इसे जनता को नहीं बताया है। जनवरी के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के बैन को मौलिक अधिकार से जोड़ा था। बाद के आदेशों में यह कसौटी गौण होती चली जाती है। इस दौरान 80 लाख की आबादी ने बगैर पूरी स्पीड के इंटरनेट के कैसे अपना जीवन जिया इसकी बारीक डिटेल आपको नहीं मिलेगी। महामारी के दौर में इंटरनेट के कितने गुण गाए जा रहे हैं। कश्मीर में इंटरनेट आतंक का ही जरिया बताया जा रहा है और बैन किया जा रहा है। नोटबंदी के जरिए आतंकवाद खत्म होने का दावा किया गया। इसके अलावा कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अध्यक्ष शेख आशिक अहमद ने दावा किया है कि पिछले साल 5 अगस्त से क्षेत्र में लगाए गए इंटरनेट प्रतिबंध और फिर कोविड प्रेरित तालाबंदी से घाटी में 40,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है और इस क्षेत्र के 5 लाख से अधिक लोग अब बेरोजगार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलते वक्त ये कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रीन सिग्नल मिल रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिस तरह विस्तार होगा उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाभ पहुंचाएंगे। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन सूट्स दिखने लगे हैं। पावर कंजम्पशन जो पहले घटता जा रहा था वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा 2 गुनी हुई है। इस बार खरीफ की बुआई बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13% ज्यादा हुई है। लेकिन अगर जीडीपी की बात करें तो अब तो आरबीआई ने भी कह दिया है कि इस बार जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव ही रहेगा। जीडीपी ग्रोथ इन 2021 इज एस्टिमेटेड टू रिमेन इन द नेगेटिव टेरिटरी विथ some pickup in growth impulses in H2 2021. In the production sectors, industrial production shrank by close to 17% in March, with manufacturing activity down by 21%. इसके अलावा CMIE ने नौकरियों जाने का लेकर एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 1,89,00,000 सैलरी लेने वाले लोगों ने अप्रैल से अभी तक नौकरियां खोई हैं। इसके अलावा 50,00,000 नौकरियां तो सिर्फ जुलाई महीने में ही चल गई थी। 15 अगस्त की ही स्पीच में मोदी जी ने पड़ोसी देश और भारत के बीच अच्छे संबंध होने का भी जिक्र किया।
मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में कहा, जहां रिश्तों में समरसता होती है, मेलजोल रहता है, मुझे खुशी है कि बीते कुछ समय में भारत ने एक्सटेंडेड नेबरहुड के साथ देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है। पश्चिमी एशिया के देशों से हमारे राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय संबंधों की प्रगति में कई गुना तेजी आई है। विश्वास अनेक गुना बढ़ गया है। अगर हमारे पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हैं, तो नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के कई हिस्सों को अपना क्यों बताया है? आपको बता दें, नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारत के कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को शामिल किया है, जिसमें लिम्पी याधुरा, लिपुलेक और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांवों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा चीन भी हमारी सीमा में घुस आया था। भले ही प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा हो कि कोई नहीं घुसा, पर बाद में विदेश मंत्रालय ने खुद ही माना था कि चीन हमारी सीमा में आया है। जब देश में कोरोना की शुरुआत हुई थी, तब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि हम 21 दिन में कोरोना से जीत पा लेंगे। साथियों, याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे जीवन में आती रहती है, ये हम सब हिंदुस्तानियों का अनुभव है। अब शायद 121 दिन से भी ऊपर हो गए हैं और कोरोना के मामलों में हम तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में पहुंच गए हैं। अब तक बाकी देशों के मुकाबले हमारे यहाँ एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें, तो कोरोना मामलों का आंकड़ा 29 लाख के पार पहुंच गया है। अब बात करते हैं यूपी की। जब यूपी में इलेक्शन थे, तब मोदी जी ने यूपी में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर तब की सरकार के खिलाफ आलोचना की थी। आज उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद कोई बहन बेटी अकेली रास्ते पर निकल सकती है क्या? जरा खुल करके बताइए, निकल सकती है क्या? अगर कोई बहन बेटी शाम को घर आने में देर हो गई, तो माँ बाप परेशान हो जाते कि नहीं हो जाते? भाई को बाहर भेजते कि नहीं भेजते? देखो बेटा, बहन आनी बाकी है, चिंता करते कि नहीं करते? जिस राज्य में आपके रहते हुए कि उत्तर प्रदेश की माँ बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है, क्या कारण? उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है और आए दिन कोई ना कोई खबर यूपी से आती ही रहती है। यूपी में गुंडागर्दी और अपराध काफी बढ़ गया है। हाल ही में यूपी से रेप को लेकर भी खबर आई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पकरिया गांव में एक 13 साल की दलित बच्ची के साथ गैंग रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को जेल भी भेजा है। अब मोदी जी यूपी सरकार पर निशाना क्यों नहीं लगा रहे? क्या इस घटना के बाद कोई बेटी अपने घर से बिना डरे निकल सकती है? हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार असल मुद्दों पर ध्यान देना शुरू करे, देश को विकास की राह पर ले जाने के बारे में सोचे और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज, प्लीज क्लिक द बेल आइकन।